हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम केवल एक ही स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उसमें कैसा मौका बन रहा है। दोस्तों, आपसे मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का हमारा एकमात्र स्टॉक धनी सर्विसेज लिमिटेड है। ये 3118 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को 5.62% यानी कि ₹3.01 बढ़कर ₹56.55 पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रांग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई ₹59.80 है और 52 वीक लो ₹30.55 है। स्टॉक ने हाल के दिनों में ₹52 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस ₹57.55, इसका दूसरा रेजिस्टेंस ₹60.10 और इसका तीसरा रेजिस्टेंस ₹62.95। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा ₹52.95, इसका दूसरा सपोर्ट होगा ₹49.55 और इसका तीसरा सपोर्ट होगा ₹45.90। दोस्तों, यह स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है या इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर इस स्टॉक में अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।